वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स और उसके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करे थे। तो आज के सेशन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे और जो भी फॉर्मूलाज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूलाज कहाँ पर लगाने, कहाँ पर इस्तेमाल होगा उनको, कहाँ पर यूज़ करने, यूनिट्स क्या रहेंगे, वो सारे हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पोर्शन है इस वीडियो का जो स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज़ पहले हम ये समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो हम ये जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन, या हम किसी बॉडी को तब कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में है, जब ये बॉडी इट इज़ मूविंग अंडर ग्रेविटी ओनली। जब इस बॉडी पे जो है सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करेगी, किसी भी बॉडी पे जो प्रोजेक्टेड करी है आपने एयर में, स्पेस में, तो उस पे सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स लगना चाहिए वो ग्रेविटी लगना चाहिए, तभी हम उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, अगर हम कोई स्टोन ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो इस पे सिर्फ ग्रेविटी लग रही है तो हम इसको भी प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं शो करेगा, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो है एनर्जी सप्लाई और पुश इज सप्लाइड बाय द लिफ्ट एंड द लेदर ड्रैग फोर्स, जो ड्रैग फोर्सेस उसके इंजन उसको सप्लाई करते हैं। तो एरोप्लेन इज नॉट द केस, रॉकेट इज नॉट द केस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, दैट इज ग्रेविटी, और एरोप्लेन में सिर्फ ग्रेविटी नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रहा है, नो इट डज नॉट, रीजन मैंने बता दिया। तो इसमें कुछ एजम्पशंस है प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करने के लिए। सबसे पहला एजम्पशन जो है, हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं। वी फील कि जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्ट हो जाएगी एयर में और इस पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, और हमें पता है अर्थ का कर्वेचर भी होता है, हमारी अर्थ ऑब्लेट स्फेरॉइड है, जनरली 195 किलोमीटर स्क्वायर से लेके 250 किलोमीटर स्क्वायर तक अर्थ का कर्वेचर, उसके ऑनवर्ड्स जो है, आप ये मान लीजिए 250 किलोमीटर ऑनवर्ड्स अर्थ का जो कर्वेचर है दैट बिकम्स डोमिनेंट, टिल देन आप इसको प्लेन ले सकते हैं। तो इसको हम जनरली, इतना बड़ा हमारा प्रोजेक्टाइल का रेंज नहीं होता, तो इसलिए वी नेगलेक्ट द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी विल मेक दिस नेगलिजिबल। और जो वैल्यू ऑफ जी है, दैट्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सारे पॉइंट्स, जब भी कोई ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ दैट्स फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, फॉर ऑल द पॉइंट्स, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, और ये इस जी जो है कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में। चलिए अब हम इसके कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं बेसिक्स। पहला ये है कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस होता क्या है। देखिए, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल, ये तो टू डायमेंशनल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमारा टू डायमेंशनल मोशन है। अगर कोई प्रोजेक्टाइल आपने एयर में प्रोजेक्ट कर दिया विद सम वेलोसिटी, वी हैव टू गिव सम वेलोसिटी, लेट दैट वेलोसिटी बी यू, और इसने एंगल जो है थीटा बना लिया हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हमें पता है ये टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल में हम कंपोनेंट्स ले लेंगे, वी विल कॉल दिस इज यू कॉस थीटा एंड वी विल कॉल दिस इज यू साइन थीटा। तो इसके पास दोनों हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और वर्टिकल मोशन भी है, दैट्स यू साइन थीटा एंड यू कॉस थीटा अकॉर्डिंगली। ध्यान रख लीजिएगा, ये परपेंडिकुलर मोशन जो है ना, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। These motions take place independent of each other. These being independent of each other, इसी को हम कहते हैं principle of physical independence. They एक दूसरे पे depend नहीं करते। अब projectile motion को समझिए। Suppose मैंने इसको project किया, initially क्या होगी, जो vertical component होगा, vertical component first decrease हो जाएगा, decrease होता 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 जाएगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा यहाँ onwards vertical component Vy जिसको हम ले लेंगे, it will become zero, और it will accordingly increase जब ये downward फॉल करेगा। ये हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वहां पे हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये फर्स्ट इंक्रीज होता है, फर्स्ट डिक्रीज होता है, एट द टॉप ये जीरो हो जाता है, फिर अकॉर्डिंगली ये डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे लिए जो है, हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी प्रोजेक्टाइल जा रहा है। जैसे एक केस ले लेते हैं ये, अब ये एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ये u है तो ये थीटा है, तो वी विल कॉल दिस इज u cos थीटा, जो हॉरिजॉन्टल के साथ ही हम एंगल ले रहे हैं, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और अगर हम देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट विल बी u ऑफ sin थीटा, और यही हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है।
अब ध्यान रख लीजिएगा एक चीज, जब भी प्रोजेक्ट डायल मोशन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जाता है, इट्स एक्सेलरेशन इज इसलिए जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाता है, सो दैट्स व्हाई वी टेक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन एज जीरो। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो है हमने बता दिया दैट इज जी इज एक्टिंग ओवर इट, सो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी ओनली जी। अब यहाँ पे सपोज यही यू मुझे एट टाइम टी निकालना है, तो ध्यान रख लीजिएगा इट विल बी ऑलवेज यू कॉस थीटा, तभी ये एक्सेलरेशन जीरो है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। U जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है दैट्स u cos थीटा, ये कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, और वो किस हिसाब से चेंज हो जाएगी, तो ध्यान रख लीजिएगा वी विल राइट इट एज u sin थीटा माइनस जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। न्यूमेरिकल पर्पज के लिए यू कैन टेक इट 10 और यू कैन टेक 9.81, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा दिया है, मल्टीप्लाइड इट विद द टाइम जिस टाइम का पूछा गया है, थीटा भी क्वेश्चन में आपको गिवन गिवन होगा। जैसे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में सपोज ये कोई प्रोजेक्टाइल है ओ से लेके ए तक गया, तो हमें पता है लेट से दिस इज यू और यहाँ पे हम इसको थीटा ले लेंगे, हम जब देखेंगे तो यहाँ पे भी यू कॉस थीटा ही होगा, वी वाई तो यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, तो यहाँ पे भी यू कॉस थीटा ही है, आप देख रहे हो हर जगह इट इज यू कॉस थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा। अगर आपसे पूछा जाएगा इसका एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो ध्यान रख लीजिएगा इसकी एवरेज वेलोसिटी o से लेके a तक पूछी गई है, फ्रॉम लेट्स से o टू a, तो इसमें तो वर्टिकल कंपोनेंट हर जगह जीरो होगा, जब वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होगी, दैट विल बी ओनली u cos थीटा। आई होप आपको ये चीज कंप्लीट समझ आ गई होगी। नाउ मूविंग अहेड, जब भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैंने एक प्रोजेक्टाइल हवा में फेंका, ये कितनी देर हवा में रहा उसको हम सिंपली प्रोजेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जैसे ये थीटा है और ये यू है, ये यू कॉस थीटा है, ये हमारा यू साइन थीटा है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो वी विल यूज द वर्टिकल कंपोनेंट, तभी आप देखोगे ऑलमोस्ट हर जगह साइन थीटा यूज हुआ है। अगर मैं इस टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालूं, जब हम इस टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालते हैं, दिस टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू यहाँ तक पहुँचने में टाइम टी वन, यहाँ तक पहुँचने में टाइम टी टू, जब हम इसको निकालते हैं वी गेट टी एज यू साइन थीटा, और टोटल टाइम जो है दैट इज टी वन प्लस टी टू, दैट बिकम्स इक्वल टू टू यू साइन थीटा ओवर जी होता है। सो द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तब हम टाइम ऑफ फ्लाइट को इतना ले लेते हैं। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या है, मान लेते हैं मैंने कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो किया एट एंगल थीटा और दूसरा प्रोजेक्टाइल मैंने थ्रो किया एट सम एंगल 90 माइनस थीटा। अगर मुझसे ये पूछा जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल सॉरी इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और इसके टाइम ऑफ फ्लाइट में, जैसे इसको मैं टी वन कहूँ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट टी टू था, अगर इन दोनों का रेशियो निकालना होगा और थीटा गिवन होगा, तो ध्यान रख लीजिएगा दैट इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा, इट इज द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स of the projectiles projected at angle theta and 90 minus theta, that will be only tan theta. Tan theta याद रखना, क्योंकि it's only for the time of flight. अभी हम horizontal range के केस में करेंगे, वहाँ पे it will be square. अब ध्यान रख लीजिएगा, let's say ये point P है, यहाँ से लेके projectile को time लगा T1 यहाँ तक, और यहाँ तक लगा ले लिया इसने time T2 इस केस में, दूसरे केस में, तो जो यहाँ पे time of flight होगा that will be simply T1 plus T2, वो हमेशा होता है हमारा 2u sin थीटा ओवर g जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है। देखिए अब यहाँ पे एक केस है, वो सिंपल केस क्या है, जब भी हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो रहा है, हमने ये देखा है ऑलरेडी ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा tu, देखिए t1 plus t2 2u sin थीटा ओवर g है, u sin थीटा अगर हमें निकालने को पूछा जाएगा दैट विल बी g t1 ओवर 2, ये ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे हमें हाइट निकालनी हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे, ये ध्यान रख लीजिएगा दैट विल बी इक्वल टू h, लेट्स से दिस हाइट इज h, इट विल बी इक्वल टू g, दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t1 मल्टीप्लाइड बाय t2, और t किसके बराबर है, t अगर आपसे पूछा जाए, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, t इज नथिंग बट u sin theta ओवर g, ठीक है, यहाँ से हम t निकाल के इसमें पुट अप कर सकते हैं अगर टाइम अलग अलग गिवन है।
अगर एक गिवन है और आपसे हाइट पूछा जाएगा, डू रिमेंबर दिस इज द सिंपल फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज। नाउ अब ये प्रोजेक्टाइल जो है मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर सकता है, वी कैन यूज द इक्वेशन, हमें पता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, थर्ड इक्वेशन, वी हैव फाइव इक्वेशन, हम इनमें से ये थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, जो उसमें जो मैक्सिमम हाइट निकलती है दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, ये हमें याद रखना है। अब अगर हमसे मैक्सिमम हाइट पूछा जाए वो कब होगी, ध्यान रख लीजिएगा, वो तभी होगा जब हमारा साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा, ये तब होता है जब ये वन होगा, ये कब होता है जब थीटा इज 90। मतलब आप एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक रहे और एक प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल ऐसे फेंक रहे, बिल्कुल ऐसे, दैट मीन्स थीटा हियर इन बिटवीन दिस हॉरिजॉन्टल इज 90, तभी तो मैक्सिमम होगा। तो उस केस में जो फॉर्मूला है दैट इज यू स्क्वायर, ये यू वाई कंपोनेंट है ओवर जी, तो ध्यान रख लीजिएगा स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ पे भी स्क्वायर है। नाउ यही होगा कि हाइट मैक्सिमम तभी होगा जब आप इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट कर लोगे। अगर इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ले लेंगे, जैसे एक एंगल थीटा है दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, उस केस में अगर आपको रेशियो निकालना है मैक्सिमम हाइट्स का, ध्यान रख लीजिएगा दैट इज टेन स्क्वायर थीटा, और अगर यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का होता तो दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इन दोनों की, देखिए आप देख सकते हैं कि ये दो प्रोजेक्टाइल्स हैं वन एंड टू, आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में से टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा किसका होगा। अगर दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी मैक्सिमम हाइट दैट इज सेम, अभी रेंज की बात हमने करी नहीं, तो इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ध्यान रख लीजिएगा वो टी वन विल बी इक्वल टू टी टू। यू कैन ट्राई इट, यू कैन यूज अ सिंपल इक्वेशन, यू वन स्क्वायर हुआ टू जी, फिर उसको वाई टू ले लीजिए, यू टू स्क्वायर हुआ टू जी, देन अकॉर्डिंगली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूलाज थे मैक्सिमम हाइट के रिगार्डिंग। देन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम रेंज के, सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को लेट्स डिस्कस देम सेपरेटली। देखिए जो जनरल फॉर्मूला है रेंज के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, वो है यू स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, इट्स गिवन दैट यू एक्स इज 2 मीटर पर सेकंड, लेट्स सी, तो आपको वहां पे थीटा पुट नहीं करना, वो ऑलरेडी गिवन है आपको, बिकॉज यू एक्स इज नथिंग बट यू कॉस ऑफ थीटा, तो आप यू एक्स यू वाई ओवर जी लिख सकते हो इसको डायरेक्टली, ठीक है, टू यू एक्स यू वाई ओवर जी, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये हॉरिजॉन्टल रेंज के केस में होता है। और अगर कभी भी मल्टीप्लीकेशन पूछा जाए, जैसे टाइम ऑफ लाइट टी वन है, दूसरे का टाइम ऑफ लाइट टी टू है, वो किसके बराबर होता है, और उस केस में रेंज पूछा जाए, ध्यान रख लीजिएगा दैट इज टू आर ओवर जी है। मैंने यहाँ पे इसको दिखा भी दिया है, हम कैसे निकालते हैं, वी गेट इट दिस वे, तो यहाँ पे दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट इनके, जब हमें मल्टीप्लाई करना हो। और अगर हम यहीं पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लेंगे, पहले ये थीटा था, फिर ये थीटा, दूसरा एंगल लिया 90 माइनस थीटा, उस केस में जो रेशियो होगा रेंज का आर टू और आर वन दैट विल बी इक्वल टू वन, ये ध्यान रख लीजिएगा, दिस हैज बीन आस्क्ड द मैक्सिमम। मतलब क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल हैज सेम एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा, दो टाइम ऑफ लाइट अलग है, मैक्सिमम हाइट अलग है, ट्रेजेक्ट्रीज अलग है, तब उसके केस में जो रेंज निकलेगा दैट विल बी ऑलमोस्ट सेम, दोनों का रेशियो सेम आ जाता है। अब अगर हमें कभी मैक्सिमम रेंज पूछा जाए, तो मैक्सिमम रेंज जब हम निकालते हैं दैट्स ओनली पॉसिबल एट थीटा इक्वल टू 45, जब आप इसमें थीटा इक्वल टू 45 हो जाएगा, इट विल बिकम साइन 90, साइन 91 होता है, इट विल बिकम यू स्क्वायर ओवर जी, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर रेंज। तो मैक्सिमम रेंज जो अटेन होगा, दैट विल बी यू स्क्वायर ओवर जी, ध्यान रख लीजिएगा। और अगर हमें ये निकालना हो मैक्सिमम रेंज, जब जैसे ये हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, इस मैक्सिमम रेंज पे हाइट कितनी अटेन होगी, दैट विल बी, ध्यान रखिएगा, यू स्क्वायर ओवर 4g, दैट इज रेंज का 1/4 ऑफ द रेंज निकल जाता है। अब ये वाला फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिए, जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग। जब भी हमें हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में, जैसे रेंज गिवन है और थीटा गिवन है और आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो ध्यान रख लीजिएगा वी यूज आर इक्वल टू 4 हॉरिजॉन्टल रेंज कॉट ऑफ थीटा, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। कमिंग टू द पॉइंट,
अगर आपसे पूछा जाएगा रेंज जो है दैट इज 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, तो उस केस में वी जनरली यूज दिस फॉर्मूला आर इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए ये फॉर्मूला। तो अगर उस टाइम पे हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा जाएगा वी विल कैलकुलेट इट बाय दिस, दिस इज 4, दिस इज द न्यूमेरिकल 4 ओवर एन नंबर ऑफ टाइम्स। ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट, अगर रेंज हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट के बराबर है थीटा विल बी टैन इनवर्स ऑफ 4, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। और अगर रेंज है 4 टाइम्स ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रेंज, उस टाइम पे जो थीटा हमारा निकलेगा दैट विल बी टैन इनवर्स ऑफ 1। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला पॉइंट जो है दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, सपोज ये एक डेटा है सिंपल सा, मैं इसको इधर दोबारा लिख लूंगा। चलिए अगर एक प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच है, और हमसे पूछा जाएगा ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए से ठीक है ये वाली हाइट जो है दैट इज सिंपल एच, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हमारी एच और एच माइनस एच हो जाएगी। तो इस केस में अगर हमसे पूछा जाए कि टाइम कितना लगा फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो ध्यान रख लीजिएगा दैट इज 8 ओवर जी मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट डिफरेंस। तो इस फॉर्मूला को मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, टाइम इस केस में होगा अंडर रूट ऑफ 8 ओवर जी मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ हाइट्स, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है टाइम निकालने के लिए, वी कैन प्रूव दिस बाय यूजिंग द सिंपल सेकंड इक्वेशन, तो हमें लेकिन वो चेंज करने की जरूरत नहीं। अच्छा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा पैराबोला क्यों फॉलो करता है, क्योंकि ये एक इक्वेशन जो है पैराबोलिक इक्वेशन बन जाती है, स्क्वायर है यहाँ पे, दैट्स व्हाई वी कैन डू दिस, एंड स्क्वायर इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक तरीके से। अब अगर आपसे पूछा जाए इसकी हाइट या इसकी हाइट निकालने के लिए, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया, जो हाइट होती है दैट इज इक्वल टू जी टी वन टी टू ओवर टू, ये ध्यान रख लीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। नाउ मूविंग अहेड, जो हमारे पास जस्ट दिस इज द मैक्सिमम हाइट जो अटेन हो सकती है, अब हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, जब आपने कोई प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी तो हम हॉरिजॉन्टल से यहाँ भेज रहे थे, we just projected it like this, अब अगर हम सर्टन हाइट वर्टिकल हाइट y से let's say ग्राउंड की तरफ above the ग्राउंड हमने रख लिया है, सपोज यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो फॉल डाउन कर रही है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, इस केस में क्या होता है, फ्रिक्शन हम इस केस में नेगलेक्ट करते हैं, वी नेगलेक्ट द फ्रिक्शन। तो यहाँ पे इसका मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगा जो इस हॉरिजॉन्टल मोशन को इफेक्ट करता, दो वी कैन से द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट सो दैट द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो हमें पता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। चलिए इस केस में हम एक अजम्पशन ले लेते हैं, फ्रिक्शन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो इस केस में अगर मुझे टाइम निकालना हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट या ट्रेजेक्ट्री, जब इसकी ट्रेजेक्ट्री तो ये है, लेट्स से दिस इज द वेलोसिटी v, इसका vx कंपोनेंट है, ये vy कंपोनेंट है, इस केस में जो टाइम है दैट्स सिंपली 2y ओवर g, ये जो ये वेलोसिटी ये टाइम जो है ये आप पर्टिकुलर जैसे ये हाइट है y इस पे निकालना हो तो वी यू जनरली यूज दिस फॉर्मूला। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फॉर्म वेलोसिटी निकालनी है जैसे आफ्टर टाइम इक्वल 2 सेकेंड्स u इतना था तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला। और अगर हमें इस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी हो इस केस में वी विल सिंपली राइट इट एज टेन, आपको पता है दिस इज वी एक्स दिस इज वी वाई एंड दिस इज फाइ, तो ये भी हमारा वी वाई होगा सिंपली यूजिंग टेन फाइ, टेन थीटा किसके बराबर होता है टेन फाइ, अगर हम इसको फाइ ले लेंगे वी वाई होगा वी एक्स, फिर हम यहाँ पे टेन फाइ की वैल्यू निकाल सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ दिस। अब इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट विल बी सिंपली टोटल, यहाँ पे तो हमने स्मॉल टी लिया था कोई भी पर्टिकुलर टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2h ओवर g, और रेंज जो होगा दैट विल बी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, बिकॉज आपको पता है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, तो वी गेट रेंज इक्वल टू u इनटू 2h ओवर g। तो ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अगर हम प्रोजेक्टाइल को मूविंग फ्रेम्स ही शिफ्ट कर ले,
सपोज आप गाड़ी में हैं, उधर से कोई बॉल फेंक रहे हो, तो उस केस में कितना मैक्सिमम रेंज आएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज डू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज दैट मोटिवेट्स।